नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, क्या है, अपन लोग केमिस्ट्री वगैरह से पढ़े नहीं हैं और अधिकतर किसान ज़्यादा पढ़े भी नहीं रहते हैं, और पढ़े भी रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो केमिस्ट्री से ही पढ़े हों। बात इतनी है कि जब बीज उपचार हमें करना होता है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि FIR करो। FIR मतलब कि फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, और R का मतलब टॉनिक या जो भी उनका राइजोबियम वगैरह जो भी चीज़ मिलाना है, इन तीन चीज़ों से आप बीजोपचार करो, बीजोपचार बहुत बढ़िया तरीके से होगा। पर भाई साहब, कौन सी चीज़ कितनी मिलानी है हमें, कीटनाशक में फंगीसाइड कितना मिलाना है, फिर हमें जो बैक्टीरियाज हैं वो कितने मिलाने हैं, ये सोचने समझने में बहुत दिमाग लग जाता है। भाई साहब, कंपनी ने क्या किया है, ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जिसमें तीन प्रकार की चीज़ें आप वैसे ही अवेलेबल हो जाएगी। तो यही प्रोडक्ट गौतम भाई और राहुल ने कल लेकर आए हैं, तो कल रात को हम लोग उसे देख भी रहे थे, उसमें क्या क्या है, कैसा है, कितना है, वो भी बताऊंगा। पर उससे पहले हम लोग बीजोपचार कर रहे हैं और किस चीज़ से कर रहे हैं वो भी आप देख ही लीजिए। तो भाई साहब, यहाँ पर नापा जा रहा है गेहूँ, जो कि हमने पंखे से साफ करके रखा हुआ है, और ये एक तगाड़ी में दो कुड़े गेहूँ बन रहा है, और हमारा कुड़े भी फिक्स किलो के हिसाब से बढ़िया बैठता है। और यहाँ पे गौतम भाई इनको दे रहा है इंट्रोडक्शन, और यहाँ गौतम भाई के पास रखा हुआ है ये है भाई साहब कास्केट, ये है स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रोडक्ट, और इसके अंदर भाई साहब हमें तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, वो लास्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसमें पता चल जाएगा। और तीन चीज़ में भाई साहब हमें इसमें मिल जाएगी एजॉक्सीस्ट्रोबिन, जो कि एक फफूंद नाशक है, और जो कि फाइटोटॉनिक भी बनाती है। फाइटोटॉनिक कई बार आप लोग जान ही चुके हैं कि फाइटोटॉनिक जो है वो पौधों में ग्रीन लेस लाती है और पौधों को मजबूत करने का कार्य करती है। और ये जो है एजॉक्सीस्ट्रोबिन, ये रोग आने से पहले ही फसल की सुरक्षा कर देता है। और इसके साथ ही इसमें एक और फफूंद नाशक है, जो कि है थायोफेनेट मिथाइल, जो रोग आने से पहले और रोग के चलते समय बहुत ही बढ़िया कार्य करती है। इसमें एक कीटनाशक भी भाई साहब हमें मिला हुआ है, जो है थायोमेथॉक्साम। थायोमेथॉक्साम से हम लोग पहले भी कईयों बार बीज उपचार कर चुके हैं, और थायोमेथॉक्साम FS में है इसमें, और थायोमेथॉक्साम भी बहुत बढ़िया बीज उपचारक है। यह एक प्रभावी जहर है, प्रभावी यानी कि बहुत ही जल्दी और अच्छा कार्य करने वाला जहर है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमें मिलती है भाई साहब, एजॉक्सीस्ट्रोबिन मिलता है 2.5% में, थायोफेनेट मिथाइल मिलता है 11.25% में, और थायोमेथॉक्साम इसमें है 25% FS में। तो ये कीटनाशक, फफूंद नाशक और टॉनिक का एक बहुत बढ़िया मिश्रण है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो कीटनाशक और फफूंद नाशक से मिश्रित कास्केड है, इससे मैं आपको बताऊं तो रूट राट, फ्यूजेरियम बिल्ड, बोटराइटिस, डाइबैक, राइजेक्टोनिया, सूट ग्रब, वाइट ग्रब, दीमक, इस तरह के कईयों प्रकार के कीटों से हमें सुरक्षा प्रदान हो सकती है। उर्वरक वगैरह मिलाना है या फिर हम ह्यूमिक एसिड वगैरह 1919 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी हम इसमें बहुत ही आसानी से मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर टिल्लू भैया और अपने योगेश भाई, गौतम भाई ने इतना गेहूँ मिक्स कर दिया है। क्या नाम से आया ये? गास्केट। ये भैया ये आ गया गास्केट। गास्केट क्या 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 UPL का क्या पेटेंट? UPL का पेटेंट नहीं, UPL का ही है, सॉल सीड ट्रीटमेंट, गास्केट UPL का आता है, बस एक ही कंपनी का। मतलब एक ही कंपनी सिर्फ, बहुत सी कंपनी बना रही है, बहुत सी कंपनी बना रही है, मगर इसको UPL ने ही वो करा है, UPL ने बनाया है। UPL लिमिटेड और विपणन करता मतलब मार्केटेड बाय सॉइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब UPL ने बनाया है इसको और सॉइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको बेच रहा है ना। कौन कौन से तीन जहर है इसमें? इसमें है एजो एजो क्रिस स्ट्रोबिन, पढ़ते नहीं बन रहा ये तो भैया बड़ा एजो, ये है थायोफेनेट मिथाइल 11% और थायामेथॉक्साम FS कीटनाशक एवं फफूंदी नाशक।
अच्छा बताओ आप मुझे, दे दो भाई साहब। ये जो है ये देखो हिंदी में लिखा है यहाँ पे, एजोक्सिस्ट्रोबिन 2.5% प्लस थायोफेनेट मिथाइल है इसके अंदर 11.25%, थायोमेथाक्साम जो कि कीटनाशक है वो भी 25% एफएस में है। तो मतलब कि यहाँ पे देखो कितना बढ़िया दिया है, कीटनाशक प्लस फपून नाशक। तो भाई साहब ये एक प्रकार से जो हम एफआईआर करते हैं ना बीज की, तो ये एफआईआर ही है, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से तो भैया पहली बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये है लगभग 7 क्विंटल गेहूं के लिए है हमने लेकर आए हैं, एजोक्सिक्लोस्ट्रोबिन थायोफेनेट मेथाइल और अपना थायोमेथाक्साम, है ना, ये चीज़ें हैं। और इसको हम उपयोग करेंगे सीड ट्रीटमेंट, जब हम इससे करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इससे क्या फ़ायदा होता है। और ये 1 लीटर का भाई साहब 2000 रुपये का है, ये 1 लीटर लिखा हुआ है इस पर। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, पर अंधारा ज़्यादा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा ज़्यादा बात। तो आप चाहें तो इससे आप बीज उपचार कर सकते हैं, ये मतलब कंपनी अपनी का प्रचार अचार नहीं है, ये कारसेट के नाम से है, कास्केड के नाम से है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कास्केड, है ना। तो मैं उम्मीद करूँगा छोटी जानकारी अच्छी लगेगी आपको। और भाई साहब जब ये उगेगा, इसको मिलाने के बाद में सीड ट्रीटमेंट करने के बाद में उगेगा, और जब जब जो जो होगा तो उस टाइम पे भाई साहब हम आपको बताएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आया। अभी हम इसके रिजल्ट के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, बाकी के जय राम जी की।